हेलो मेरे स्मार्ट दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बटर स्कॉच डेजर्ट। आपके पास जो भी जेली हो, जो भी जेम हो, उसको यूज कर सकते हैं। मैंने बटर स्कॉच लिया है और मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूंगी और मैंने 3 चम्मच बटर स्कॉच डाला है। और मैं 1 कप दूध लूंगी, इसको हमको घुमाकर गैस पर पकाना है गाढ़ा, जैसे हम कस्टर्ड पाउडर बनाते हैं। कस्टर्ड बनाते हैं, फूड कस्टर्ड बनाते हैं, इसी तरह हमें इसको बनाना है। अब हमारा ये इस तरह से शक्कर घुल गया, मटेरियल सारा एक सा हो गया। और हमें अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा गाढ़ा पेस्ट हो गया। अब ये फ्रिज में रख देंगे जमाने के लिए, ग्लास में डाल के 10 मिनट। राइस मैंने इस तरह गर्म पानी कर दिया, हल्का सा 1 कप पानी लिया। और मैंने ये पाइनएप्पल जेली लिए। अब मैं इसमें पाउडर को डालूंगी, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। ये जेली के अंदर पाउडर ही आता है, बस भी इस तरह इसको घुमाना है। अब ये मैंने निकाल लिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे। इसको तुरंत ही डालना है, नहीं तो ये जेली अपना काम छोड़ देगी करना। ये हमने इस तरह को छोड़ दिया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट, जम जाए, फिर ऊपर से हम थोड़ी सी इसको गार्निशिंग करेंगे। इस तरह हमारी जेली मैंगो, इस तरह हमारी पाइनएप्पल और बटर स्कॉच तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर सजावट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हो, इसके ऊपर इस तरह से चेरी भी रख सकते हो सजावट के लिए, इसके ऊपर आप ग्रेप्स भी रख सकते हो इस तरह से, जो आपको पसंद हो। इसके ऊपर हम इस तरह से जो भी फ्रूट आपके पास हो उस फ्रूट को इस तरह से रख सकते हैं। इसके ऊपर सिरप डालेंगे स्ट्रॉबेरी, और इसको अच्छा लुक देने के लिए। कैसा लगा आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको आप इस तरह से मुँह में पानी आ रहा है तो देर किस बात की, बनाइए और खाइए।